आप एनसीईआरटी पेज नंबर 208 पे आएंगे तो नंबर तीन पे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जूलियस वॉन सैक। क्या नाम है? आज इनके बारे में बात करने वाला हूं मैं आपके साथ। आप बताइए कि जब जूनियर जूलियस वॉन सैक की हम बात करते हैं तो हमें जूलियस वॉन सैक को दो बार पढ़ना है, ठीक है? एक तो 197 नंबर पेज खोलो आप एनसीईआरटी, 194 सॉरी 194 नंबर पेज एनसीईआरटी का है। देखिए आप, चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 12। इसमें जो पहली हेडिंग है ना कि मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, इसमें जो मेथड है वो मेथड में पढ़ाया गया हाइड्रोपोनिक्स। और यहां देखो पहली दूसरी लाइन में 194 नंबर पेज पे जो साइंटिस्ट का नाम दिया गया है बच्चे, वो लिखा गया है जूलियस वॉन सैक। तो आप बताइए कि जूलियस वॉन सैक का नाम सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए याद नहीं करना हमें, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ मिनरल न्यूट्रिशन में हाइड्रोपोनिक्स के लिए भी याद करेंगे, ठीक है? अब इन्होंने फोटोसिंथेसिस में जो बताया था एनसीईआरटी ने, हमें सिर्फ उसका कंक्लूजन लिख के दिया है, एक्सपेरिमेंट नहीं दिया। तो मैं भी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं आपके साथ। जूलियस वॉन सैक के अकॉर्डिंग बात यह है कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कौन, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन क्या पूरा ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं। आप बताइए, ओनली ग्रीन पार्ट्स करते हैं, ओनली ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ओनली ग्रीन पार्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन पार्ट जब फोटोसिंथेसिस करता है कौन, तो क्या कंप्लीट पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करेगा? आप कहते तो नहीं, उसकी सेल्स करती हैं, तो क्या कंप्लीट सेल फोटोसिंथेसिस करेगी? नहीं। आप बताइए, सेल में तो मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, दूसरे सेल ऑर्गनल है। ग्रीन पार्ट में भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, और उस सेल के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, क्या करती है, और उस स्ट्रक्चर को आज हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। सही है? तो बताइए इस स्ट्रक्चर में चलेगा प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा, फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनेगा क्या, फूड। और फूड किस फॉर्म में बनेगा, और प्लांट्स इस ग्लूकोज को स्टोर करेंगे स्टार्च की फॉर्म में। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, इस क्लोरोप्लास्ट नाम की स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम, और उससे बनेगा फूड ग्लूकोज, और प्लांट उसे स्टोर करते हैं। अल्टीमेटली इन्होंने अपने कंक्लूजन्स में हमें समझाया स्टार्च ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट का इंटर रिलेशनशिप, कि इन चारों का रिलेशन क्या है। तो आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस नाम का जो प्रोसेस है वो ग्रीन पार्ट्स के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में चलता है जिससे प्लांट्स बनाते हैं फूड ग्लूकोज की फॉर्म में, और उसे स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। समझ रहे हैं बात या नहीं? एनसीईआरटी पेज नंबर 208 जो है ना बच्चे, इसका जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ 208 पे, ये आपको जूलियस वॉन सैक के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन समझाता है चार लाइनों के अंदर, ठीक है? इसे आप याद करिएगा, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको यही सारी बातें मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं।